किया अपने, ये कहना पड़ेगा आप सुने या न सुने, हमें दिया गया है और कुछ कहना है। आइए ले लड़की, पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का दिन व्यास पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज पार्षद नंदन इनका आज जन्मदिन है, तो विश्व के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए कि विश्व का पहला ज्ञान वेदों में जो संचित है ऋग्वेद में, उस ऋग्वेद को हमारे वेदव्यास जी ने अपनी बहुत कठिन तपस्या करके चार भागों में विभक्त किया। वेद को ऋग्वेद को चार भागों में विभक्त करने के कारण इनका नाम व्यास हुआ, व्यास वेदव्यास हुआ। द्वीप में पैदा होने के कारण द्वैपायन कहलाए, शरीर से कृष्ण होने के कारण कृष्ण द्वैपायन कहलाते हैं। पार्षद नंदन ही तो है, लोग बहुत तपस्या की, आज भी देखिए जितने चिरजीवी लोग हैं, जितने हमारे अवतार थे सब चले गए परशुराम जी को छोड़कर, पर आज भी सप्त चिरजीवियों में व्यास जी महाराज जीवित हैं। और अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। बहुत से संत जो हिमालय पर तपस्या करने गए आज भी, जैसे आचार्य श्री राम शर्मा या प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, इन्होंने व्यास जी महाराज के दर्शन किए हैं। व्यास जी की गुफा आज भी हिमालय पर है जहाँ व्यास जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, और उनकी तपस्या का फल, उन्होंने अपनी तपस्या के फल से चार तो भाग किए वेदों के, उसके बाद इतना कठिन वेदों की भाषा ही इतनी कठिन, सूत्र इतने कठिन, उनको हम समझ नहीं सकते, तो व्यास जी ने हम सबके कल्याण के लिए उसको 18 पुराणों में विभक्त कर दिया। सरल से सरल भाषा में बहुत सुंदर उदाहरण देकर, कहानियों के द्वारा और अच्छे सब कुछ उन्होंने बता दिया। 18 पुराणों में लिखा क्या है, अगर थोड़े से शब्दों में कहा जाए तो व्यास जी ने 18 पुराणों में लिखा क्या है, दो चीजें लिखी, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार करना, और सबसे बड़ा पाप है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, यही धर्म का सार। उन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखकर, देखो बच्चों मैं आप लोगों से कहती हूँ सब कुछ पढ़िए, खूब कहानी पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, सिनेमा देखिए, पर आपने अगर महाभारत नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। महाभारत पंचम वेद कहलाता है, पंचम वेद है जिसका निर्माण वेदव्यास जी ने किया। इतना बड़ा गणेश जी महाराज आए लिखने के लिए, और उन्होंने उसका लिपि बंद किया, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे 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 लड़के में बढ़ा दे। इस पंचम वेद में यन्ने न भारत तन्ने न भारत, और जो महाभारत नहीं है तो संसार में कहीं हो गया सबको। इसमें धर्म शास्त्र भी है, नीति शास्त्र भी है, समाज शास्त्र भी है, कुछ विज्ञान भी है, कोई चीज ऐसी इसलिए महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। इतना विज्ञान का गुरु शिष्य परंपरा का इसी में वर्णन वेद धर्म जी ने किया है, गुरुकुल में ही शिष्य चाहे राजा का लड़का हो चाहे ग्रंथ का लड़का हो, राजा और ग्रंथ से सब लड़की, कोई जाति पाति का भेद भी नहीं था, सारे लोग महान
एक साथ पढ़ा कर दीजिए, सबके साथ एक साथ व्यवहार करें। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ ही पढ़े, सब कुछ काम लिया जाता था। गुरु ने अपने शिष्य से कोई भेदभाव नहीं करते, राजा का लड़का है इससे काम नहीं, सारे काम लिए जाते थे। राजा का लड़का लकड़ी भी फाड़ता था, खेती भी करता था, गाय भी चलाता था, भी नाम सारे काम राजा के लड़के को भी करना पड़ते थे और एक गरीब का लड़का भी कर रहा था। वर्णन आता है उनके तीन शिष्य थे, अयोध्यों के नाम के गुरु थे। व्यास जी ने महाभारत में वर्णन किया है तीन शिष्य थे, एक थे अरुणे, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, दूसरे उपमन्यु और तीसरे वेद। गुरु इतनी कड़ी कड़ा परिश्रम करवाते थे विद्यार्थियों से कि आज के माता पिता होते ना तो FIR दर्ज कर देते, और उस समय राजा लोग कभी बोलते नहीं थे, कभी शिकायत नहीं करते। आरुणि को उन्होंने दिया कि तुमको मेड़ बांधना है, पानी गिर रहा था, आरुणि जाकर के मेड़ बांधता रहा पर मेड़ बह जाती थी, तो स्वयं मेड़ की जगह सो गया, उसी में लेट गया। पर गुरु जी को चिंता हुई, देखो गुरु पिता के समान पिता से भी बढ़ करके मानते थे। गुरु ढूंढने के लिए निकले, सवेरे गए तो देखा आवाज ठीक है, जब ढूंढने के लिए गए बेटा आपने तुम कहां हो, ढूंढते फिरे, मैड़ पर से उठ करके आया, गुरु जी मैं यहां पर हूं, तुम यहां क्यों लेके हो। बोले मैड़ फूट जाती थी तो मैं मैड़ की जगह लेट गया, ऊपर पूरा पानी गिरता रहा। देखो ऐसी सेवा शिष्य लोग करते थे, पूरा शरीर फूल गया, गुरुजी ने लगाया। जब उसकी ये सेवा देखी तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और उसको सारे वेद शास्त्र सब कुछ उसको प्रदान कर दिया। दूसरा था उपमन्यु, इसका बड़ा वर्णन आया है महाभारत में। उपमन्यु को गाय चराने के लिए भेजा गुरुजी, गाय चराने के लिए भेज देते थे पर खाने पीने को कुछ नहीं देते थे। बेचारा दिन भर गाय चरा था और शाम को लौट कर आया, उन्होंने पूछा कि तुमने क्या खाया है, तुमको अच्छी मोटी मस्त हो। उसने कहा गुरु जी मैं भिक्षा मांग करके खा लेता हूँ। गुरु जी ने कहा तुम गड़बड़ करते हो, भिक्षा का अधिकार तुम्हें यहाँ ला करके देना चाहिए, तुम्हें खाना नहीं चाहिए। उस दिन दूसरे दिन उसने बंद कर। फिर गुरु जी ने पूछा कि तुम अब क्या खाते हो, कहा गुरु जी गौ माता हमको दूध देती है, पी लेती हूँ, नहीं आश्रम की गाय है, तुमको बिना पूछे आश्रम की गाय का दूध नहीं लेना चाहिए, दूध भी बंद कर दिया। फिर पूछा कि अब क्या खाते हो, कहा कि बछड़ा जो दूध पीता है उसका फेन पी करके मैं ले जाता हूँ। गुरु जी ने कहा ये तुम गलत करते हो, बछड़ा तुम्हारे लिए ज्यादा दूध फेन दे देता होगा, इसलिए तुमको बछड़े का तो हिस्सा मारते हो, वो नहीं पीना चाहिए, वो भी छोड़ दो। अब उसके खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, कोई इंतजाम गुरु जी ने नहीं किया, भूखा भेज दिया। जब भूख के कारण बहुत व्याकुल हुआ, उसने आग का दूध पी लिया मदार का, और उसकी आंखें अंधी हो गई, अंधा होकर के एक कुएं में गिर गया। गाय लौट आई, उपमन्यु नहीं लौटा, गुरु जी ढूंढते हुए चले, बेटा उपमन्यु तुम कहाँ हो। देखो गुरु व्याकुल हो गए, कुएं में से आवाज आई, गुरु जी मैं यहाँ पर पड़ा हूँ, कैसे पड़े हूँ। तो कहा मैं भूख के कारण व्याकुल था, आग का दूध पिया मैंने तो मेरी आंखें अंधी हो गई, मैं कुएं में गिरा हूँ। गुरु जी ने देखा, कहा तुम अश्विनी कुमार का ध्यान करो, देवताओं के वैद्य हैं वो, तुम्हारी आंखें आ जाएंगी। अश्विनी कुमार आए, उनको कुआ ला करके दिया, कहा तुम बेटा ये कुआ खा लो, तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। उसने कहा नहीं, जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे, आज्ञा नहीं दी तब तक मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाया। तब गुरु जी आए, उन्होंने कहा बेटा तुम खा लो ये औषधि। जब खाई उन्होंने आंखें आ गई, गुरु जी ने कुएं में से निकलवा करके उसको हृदय से लगाया, और बच्चों फिर सारे ज्ञान जो कुछ भी गुरु जी के पास था, वेद और शास्त्र सब कुछ उसको प्रदान किए। बहुत बड़े उपमन्यु, बहुत बड़े ऋषि के रूप में प्रकट हुए।
और इसी तरह वेद से भी गुरु जी ने बहुत ज्यादा कार्य किया। तो कहने का तात्पर्य ये, उस समय के गुरु पूरे जीवन की शिक्षा देने के लिए इतना कठिन परिश्रम करवाते थे, इतना कठिन परिश्रम करवाते थे कि पूरे जीवन के लिए तैयार हो जाते थे, पर कभी कोई शिकायत नहीं करता था। आज तो बड़ी मुश्किल है, बच्चों ने झाड़ू लगा ली अगर अपने कक्ष में, स्कूल में, तो मीडिया वाले तुरंत झाड़ू की फोटो लेकर के पेपर में निकाल देते हैं। बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती, अपने खाने के बर्तन बच्चे अगर धो रहे हैं तो मीडिया वाले फोटो लेकर के तुरंत बच्चों के बर्तन मंजवाए जा रहे हैं। अरे भैया, हम लोगों ने जब प्राइमरी में, हमारे यहाँ कोई बेंच वेंच कुर्सियाँ नहीं थी, फटती थी, हम लोग आकर के पहले झाड़ू लगाते थे, फट्टी बिछाते थे और चाक दस्तर रखते थे और तब हम बैठते थे। तो हम लोगों की फोटो किसी ने नहीं खींची, ना हम लोगों की शिकायत की। हम लोगों को बड़ा उत्साह होता था कि हम झाड़ेंगे, बड़ी कंपटीशन होता था कि हम अपनी कक्षा को साफ करेंगे। तो सेवा करना ये बहुत आवश्यक है, अपने महाविद्यालय को, विद्यालय को, विद्यालय को जहाँ बैठे वहाँ सफाई करना, ये सब हमारा दायित्व होना चाहिए, ना कि फोटो खिंचवा कर पेपर में भेज देना चाहिए। तो इससे शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा सेवा से मिलती है। हमारे यहाँ जब एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, गुरु की भूमिका क्या होती है कि राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। अगर भगवान नाराज हो जाए तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि गुरु बचा लेते हैं। भगवान से जो नाराज व्यक्ति है उसको गुरु जी बचा लेते हैं। और याद रखो, अगर गुरु नाराज हो गए तो परमात्मा भी नहीं बचा सकता। इसलिए गुरु की प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज होती है। हमारे यहाँ वर्णन आता है, रामचरितमानस में वर्णन आया, काक भुषुणी जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं अयोध्या में जन्म हुआ, पर अकाल पड़ा तो उज्जैनी में चला गया। उज्जैनी में एक बहुत अच्छे परम साधु परमार्थ पिंडक, बड़े अच्छे गुरु जी थे और वे सबका सम्मान करते थे। उन्होंने मुझे, शूद्र जाति के थे, उन्होंने उसको अपने पुत्र के समान माना, उसको खाना पीना दिया, उसका पालन किया, उसको शिक्षा दी और उसको दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया और अपने बेटे के समान रखा। पर वो दुष्ट जब खा पी लिया, सब कुछ हो गया, तो गुरु से ही द्रोह करने लगा, क्योंकि गुरु ने कहा कि बेटा, तुम जो राम से द्रोह करते हो ना, ये उचित नहीं है, क्योंकि राम ही भजई तात शिव धाता, नर पे पावर के कहती के बाता। राम जी को तो शंकर जी भगवान भी भजन करते हैं, फिर मनुष्य की बात क्या है। तो बोले, मुझे बहुत बुरा लगा कि गुरु जी उल्टी सीधी बात करते हैं, हमारे शंकर जी राम जी को भजते हैं ऐसा कह रहे। तो गुरु जी को छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया और जाकर एक दूसरे मंदिर में जाकर एक बार शिव मंदिर जपत रहे हूं शिव नाम, शंकर जी का नाम जप रहा था। कैसा अभिमान थे, और इसलिए कि कोई देख रहा कि नहीं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, भक्त बन करके राम नाम जप रहा। पर गुरु आए अभिमान थे, उठ नहीं की इन्हें प्रणाम। उसी समय हमारे गुरु जी मुझे ढूंढते हुए आए, मेरे कल्याण के लिए आए, और मैं बैठा रहा अभिमान के कारण, भोग करता रहा जपने का, उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया। गुरु जी तो कुछ नहीं बोले, बड़े सरल स्वभाव के, पर जैसे ही ये देखा, भगवान शंकर ने देखा, उन्हीं का नाम जप रहे थे, उन्हीं के मंदिर में बैठे थे, उन्हीं का मैं भक्त था, पर अति अघ गुरु अवमानता सह नहीं सके महेश, भगवान शंकर नहीं सह सके, और तुरंत मंदिर मान भई नवमानी रे हत भाग्य अग्य अभी अभिमानी यद्यपि तन गुरु के नहीं क्रोधा सरल संत चित सम्यक बोधा तदपि पाप सठ दई हो तो ही वही न सुहाए ब्रह्म कुल गुरु। मैं तुझे शाप दूंगा, यदि मैं तुझे शाप नहीं देता, जो मैं शाप करूं मैं तोरा, तो भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। बैठ रह अजगर के पापी, तू अजगर जैसा बैठा था, गुरु के आने पर उठा नहीं,
देखो आज के कितने विद्यार्थी हैं जो भूमि को हृदय से प्रणाम करते हैं, बहुत से देखा जाता है, बहुत से विद्यार्थी बैठे सामने उठकर खड़े हो जाएंगे, पीछे के बैठे रहेंगे, भूमि थोड़ी देख रहे बैठे रहो, कौन प्रणाम करने की जरूरत नहीं, और प्रणाम भी करेंगे जरा से उठेंगे उठने का प्रयत्न करके बैठ जाएंगे। देखो सम्मान देना ये हृदय की बात है, गुरु जी नहीं देखते पर ऊपर वाला तो देखता ना, भगवान तो देखता, उसके रजिस्टर में नोट होता है इसने गुरु को अपमान किया है, तो गुरु के अपमान को भगवान सह नहीं सकते। मंदिर मान भई नवानी रेह भाग्य अभि अपमानी यद्यपि तब गुरु के नहीं बोधा सरल संकुचित सम्यक बोधा तदपि साप चढ़ रही हो तो ही। और भगवान ने ऐसा शाप दिया, अजगर जैसा बैठा था, जाकर विंध्य के पोर्टल में अजगर हो जा, इसी विंध्याचल में आकर के वो बेचारा शाप का जीवन काटने के लिए यहाँ आया, और कहा 1000 जन्म लेना पड़ेगा 1000 जन्म। अब वो तो थर थर कांपने लगा, शाप इसको मिला, गुरु जी को प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान देखो शंकर ने हमारी कैसी रक्षा की, हमारे इस दुष्ट को जो हमारा कहना नहीं मानता था अवज्ञा करता था इसको अच्छा शाप दिया, प्रसन्न होना चाहिए। पर वास्तव में गुरु जी प्रसन्न नहीं हुए, गुरु जी तो रोने लगे और बड़े भावुक होकर के भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, और उन्होंने रुद्राष्टक में भगवान की 8 अष्टकों में उन्होंने स्तुति की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम एवं व्याप्तम ब्रह्म वेदस्य रूपम। तो शंकर जी गुरु की स्तुति से प्रसन्न हुए, मांग लो क्या मांगते हो, तो गुरु जी ने कहा महाराज देखो मांगना क्या चाहिए, अपने लिए कुछ मांग लेते, भगवान शंकर द्रवित हो गए हैं आशुतोष हैं कुछ भी दे सकते थे, पर मांगा क्या, तो कहा शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जी में नाथ थोरही काल। हे प्रभु इस पर आप कृपा करिए, ये पापी दुष्ट जो बैठा था ना जिसने अपमान किया गुरु का उसी को क्षमा दिलवा रहे हैं कि यही पर हो कृपाल शाप अनुग्रह होई जी में नाथ थोरही काल यही कर होई परम कल्याण। हे भगवान ऐसी कृपा करिए आप आशुतोष हैं कि इसका जल्दी से शाप अनुग्रह हो जाए, आपका शाप से मुक्त हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो इसने बहुत बड़ा पाप किया है और मैंने शाप दिया है, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जा सकता है, परंतु तुम्हारी साधुता देखकर गुरु जी की कहा तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर कृपा करूंगा। गुरु जी ने कृपा करवाई और कितनी, शाप दिया 1 और वरदान दिए भगवान ने 4, किसकी कृपा थी, गुरु की कृपा, 4 वरदान मिल गए उसको, ऐसे पापी को जिसका कभी मुक्ति नहीं हो सकती थी उसको 4 वरदान मिल गए, ये गुरु जी की कृपा। कौन से वरदान, पहला तो ये कि जन्मत मर दूसरे कोई यह स्वल्प नहीं व्यापन कोई जन्म लेना और मरना बहुत दुख कारण होता है, तो कहा इसको जैसे पुराना कपड़ा बदलता है नए पहनने से ऐसा इसको कोई कष्ट नहीं होगा, 1000 जन्म तो लेना पड़ेगा पर कोई कष्ट नहीं होगा, जन्मत मरत दुसह दुख होई यह स्वल्प नहीं व्यापन सोई। दूसरा वरदान ये अयोध्या में इसका जन्म हुआ तो मेरी कृपा से इसको राम भक्ति प्राप्त होगी। देखो राम भक्ति भगवान शंकर सबको नहीं देते, उनकी झोली में रहती है पर बहुत बड़े ऊंचे भक्त को देते हैं। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि पापी दुष्ट को भगवान शंकर ने राम भक्ति दे दी, कहा राम सो परी राम परायण हो ही ये राम का भक्त हो जाएगा। अब तीसरी देखो शाप दिया 1, अब वरदान देखो और कहा कमनेव जन्म मिटे ही नहीं ज्ञान, किसी भी जन्म में कहीं भी ये जन्म लेगा इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, जो गुरु जी से ज्ञान इसने प्राप्त किया है हर जन्म में इसको ज्ञान यथावत रहेगा। और चौथा अप्रतिहत गत हेतु, ये जहां जाना चाहे वहां चला जाएगा क्षण भर में, आज यहाँ बैठा तो इंग्लैंड, अभी एक क्षण में इंग्लैंड पहुंच जाए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, कहीं भी जा सकता है अप्रतिहत गति हेतु। 4 वरदान जब मांगे, ये मांगे नहीं उसने, भगवान ने दिए, किसकी कृपा से, गुरु की कृपा से, ये गुरु का महत्व होता है भैया, गुरु इतना महत्वशाली होता है कि राखई गुरु जो कोप विधाता,
गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। इनके जीवन बदल गया, तो यही काक विष्णु जी के रूप में जो भगवान शंकर जी से चार चार आशीर्वाद प्राप्त किए, तो उन्होंने कहा कि हमने इतने जन्म लिए, क्या अनुभव हुआ आपको? बोले भैया अनुभव ये हुआ कि एक शूल मुहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। हमारे गुरु जी कितने कोमल स्वभाव, कितने उनमें प्रेम था, कितनी सहजता थी, कितने कृपालुता थी, उन्होंने मेरे कैसे अपराध को क्षमा किया और करवाया। तो आज मैं गुरु की कृपा से जुड़ी, उनका जीवन बदल गया। तो भैया गुरु क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, कथा बहुत है। देखो भगवान श्री राम का पूरा जीवन बना गुरु के कारण। गुरु एक थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखो रघुवंश में, रघुवंश के जितने राजा महाराजा थे सबका जीवन बनाया गुरु वशिष्ठ जी ने। भरत जी ने एक बात कही, भरत जी ने कहा कि सो दुसाई यही विधिगत छे की कारी को सकय तेक ही झोटे की। हमारे गुरुदेव ऐसे महान हैं, भरत जी कह रहे चित्रगुरु, हमारे गुरुदेव ऐसे महान हैं कि इन्होंने जो संकल्प कर लिया ब्रह्मा भी उसको नहीं मेट सकता, ब्रह्मा भी गुरु जी के संकल्प को मेट नहीं सकता है। तो ऐसा हुआ क्या? बोले हाँ, इक्ष्वाकु महाराज मनु जी थे, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और जब उनको हो गई लड़की, हो गई इला नाम की पुत्री, बड़े परेशान, महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए किया था और लड़की कैसे हो गई? तो कहा रानी से पूछो। रानी ने कहा कि मैंने पुत्री मांगी थी। देखो यज्ञ में पुत्री मांगने के कारण वो पुत्री हो गई, कहा मुझे तो पुत्र चाहिए। तो महाराज वशिष्ठ जी में वो शक्ति थी, वही इला नाम की पुत्री सुद्युम्न नाम का पुत्र बन गया। देखो है किसी में ताकत ऐसी, ब्रह्मा में नहीं है, ब्रह्मा ने जिसको जो बना दिया बनेगा, पर ब्रह्मा की लकीर को मेट दिया गुरु वशिष्ठ ने, इला नाम की लड़की को सुद्युम्न नाम का लड़का बना दिया। अब तो ब्रह्मा जी के लिए महाराज रघु अपने पुत्र का विवाह नहीं कर रहे, दिलीप का विवाह नहीं करते थे, क्योंकि उनकी कुंडली में लिखा था कि सात भाव पड़ेगी और इसका सिर फटेगा और ये मर जाएगा महाराज दिलीप। तो रघु महाराज अपने पुत्र का विवाह ही नहीं कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि विवाह क्यों नहीं करते? कहा महाराज ब्रह्मा जी ने ये लिखा हुआ है, इसलिए हम अपने पुत्र का विवाह नहीं करते। वशिष्ठ जी ने कहा मैं हूँ, तुम विवाह करो, देखते हैं कैसे ब्रह्मा की लकीर भी मिट जाएगी। ये गुरु की ताकत तो देखो जरा। गुरु ने कहा कि मैं विवाह होने लगा, सुदक्षिणा से जब विवाह होने लगा तो गुरु जी ने चार भावर पढ़वाई और चार भावर के पाद रोक दिया और कहा अब मेरी पूजा करो। तो दूल्हा दुल्हन ने आकर के गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और कहा अब लौट पटा होगा। देखो आज तक हमारे यहाँ लौट पटा होता है, पहले आगे लड़का जाता है चार भावर में और उसके बाद तीन भावर पड़ती है, उसमें लड़की आगे होती है, कन्या आगे होती है और वर पीछे होता है। ये गुरु वशिष्ठ जी की परंपरा है दी हुई। उन्होंने कहा अब ओलौट पटा होगा। तो उन्होंने केर भावरी फेरी गोस्वामी लिखा, भावरी फेरी, फेरी माने फिर उलट फेर कर दिया। आज ही हमारे यहाँ उलट फेर होता है और इस उलट फेर के कारण ही मानव जीवन अच्छा मंगलमय होता है। तो तीन भावरे फिर पड़ी, तो सात सात संख्या गिनी ही नहीं, चार गिनी उसके बाद सात, तीन गिनी, तो सात संख्या ही नहीं हुई, तो कहां से ब्रह्मा जी का मतलब पूरा होता? ब्रह्मा जी की लकीर को मेट दिया महाराज जी और कहा भरत जी महाराज हमारे पिताजी के 60,000 वर्ष आयु हो गई थी और कोई संतान नहीं थी, अब गुरु रह गए हूँ, तुरंत गुरु जी के घर गए और विनयकारी लगे विनय विशाला और दुख सुख सब सुनाया गुरु जी को कि संतान नहीं, हमारे पितरों का क्या होगा, राज्य का क्या होगा। तब गुरु जी ने देखा, गुरु जी की कृपा हुई, उन्होंने कहा था रघुवीर हुई है सुतचारी ही, सारे संसार में विदित होंगे ऐसे गौरवशाली पुत्र होंगे तुमको। और फिर उन्होंने तुरंत ही पुत्र गाम काम शुद्ध यज्ञ कराया और भगत सहित आई आहुति जी ने, ये वशिष्ठ जी की ही योजना थी, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाया और चार चार पुत्र हुए। तो
भरत जी कहते महाराज आज हम सब लोग हमारे गुरु हमारे पिताजी की जो संतान है ये हमारे गुरु जी ने हमारे जन्म हेतु सब कहे पित माता और करम सुभातु देई विधाता। माता पिता ने जन्म तो दिया और विधाता ने कर्म सुभातु लिख दिया पर सो गुस्माई यही विधि गति छेती सकई गुतार टेक जो टेकी। आपने रसन कर लिया विधाता की गति को छेद सकते। ये है गुरु की महत्ता। गुरु अगर ठान ले गुरु सोच ले अपने शिष्य को इतना बड़ा आशीर्वाद देता है कि ब्रह्मा भी उसके सामने असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत प्राचीन है और आज भी है। आज भी अगर जो शिष्य गुरु के साथ में बड़ी आस्था भक्ति के साथ में विनम्रता के साथ में अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभनम्। और एक और प्रसंग आता है हमारे यहाँ कि अगर गुरु का अपमान करता है तो व्यक्ति को कहीं ठौर नहीं मिलता। पर याद रखो आज गुरु घंटाल बहुत घूम रहे। गुरु घंटालों के चक्कर में मत पड़ना और इन गुरु घंटालों के चक्कर में मोक्ष पाने के लिए विवश हो जाते हम मोक्ष मिल जाएंगे। तो गुरु गोस्वामी लिखा कि गुरु सीखे अंग बधिर का लेखा एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु तो अंधे हैं और चेला बहरा है उसको सुनाई नहीं पड़ता। उपदेश दे रहे गुरु जी उपदेश दे रहे और गुरु जी कह रहे हैं चलो तुम्हें ब्रह्म दिखाए खुद ही नहीं देखे खुद आंखों से अंधे। और ऐसे गुरुओं के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं वेश देख कर। गोस्वामी लिखते हैं तुलसी देख सुवेश भूलई मूढ़ न चतुर नर। अच्छा वेश देख करके जो मूल लोग हैं वो दौड़ पड़ते हैं। पर देखो मोर होता ना मोर कितना सुंदर दिखाई देता है। सुंदर के एक ही देख अचल सुधासम बहुत अच्छा बोलता है सुंदर दिखाई देता है पर उसको देखो कार्य क्या करता है वो असन आही भोजन क्या करता है सांप को खाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर हमें गुरु बनाना है सच में आध्यात्मिक गुरु बनाना है शिक्षा गुरु तो ठीक है पर जो आध्यात्मिक गुरु बनाना है देखना चाहिए कि उसका आचरण कैसा है। पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव पगराया सांप खाने वाला तो नहीं है वो देखने में सुंदर पर सांप खा रहा है। ऐसा जो आचरण जिसका है ऐसा गुरु बना करके हम कहीं स्वयं ही नरक में न चले जाएं। इसलिए आज गुरु की महत्ता है पर गुरु को ही देखकर गुरु पानी पिए छान कर गुरु पिए जान कर ऐसा कहा जाता है। तो कौन गुरु ये शिक्षा गुरु तो ठीक है जो हमको दिए गए हैं। और शासन की मैं सबसे पहले तो शासन की बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव बनाने के लिए हम लोगों को भी सबको आमंत्रित किया। हमारे विद्यार्थियों को जबरदस्ती बांध पकड़ करके यहाँ बिठाया है कि तुम सुनो गुरु की महत्ता और हमारे शास्त्र में क्या लिखा है और गुरु की महत्ता क्यों है इतनी ज्यादा। इन गुरु की महत्ता को सुन करके समझ करके हम अपने जीवन में कुछ आचरण उतारें हम अपने अनुशासन को बनाएं और गुरु गुरु भक्ति हमारे हृदय में आए ताकि हमारा कल्याण हो सके। ये हमारी देखो सुदुर्लभम भारत वर्ष जन्म मनुष्य जातो महता अंकुलेषु अतोत्र मिथ्यैव नमेत वयो न स्वधर्म श्रद्धा तत्परो भूत। हमारे यहाँ का सुदुर्लभम भारत वर्ष जन्म ये भारत भूमि में जन्म लेना कितना दुर्लभ है कितना महान है हमने कितने पुण्य किए होंगे तब हमारा जन्म इस भारत भूमि में ऐसी भारत भूमि में जहाँ गुरु की महत्ता है जहाँ ऐसे संस्कार है जहाँ हमारी संस्कृति है ऐसे प्राचीन ऋषि लोग हुए जिन्होंने वनों में रह करके हमको वेदों की संस्कृति दी। तो सुदुर्लभ हम भारत वर्ष जन्म और उसमें हम क्या हुए पशु पक्षी नहीं हुए मनुष्य जात हूँ महता ये सब भगवान ने दिया है। तो हमारे गुरु जी ने हमें सब कुछ दिया है भैया ऐसी चीज हमको मिली है। इसलिए देखो एक चीज और है हमारे वेद व्यास जी ने हमको सनातन धर्म की जो व्याख्या दी आप सनातन धर्म को सुनते ना हम सनातन धर्म ही सनातन क्या है सनातन धर्म सनातन धर्म की व्याख्या एक श्लोक में उन्होंने रख दी है महाभारत में क्या है सनातन देखो ये याद कर लो आप लो, लिख लो नोट कर लो अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानं च सताम धर्म सनातनम्।
पहली चीज अत्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, मन वचन कर्म से किसी के प्रति भी द्रोह मत करो, माने प्रेम करो सबसे प्रेम, पशु पक्षी से पेड़ों से जड़ जब प्रति सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करना हमारा धर्म दिखाता है। और अनुग्रह दान ऊंचा और बड़े प्रेम पूर्वक अनुग्रह पूर्वक दान देते रहो, जो भी आपके पास मिले दान देती रहो, दूसरों की सहायता करते रहो, यही धर्म है। परोपकार सुनियाए पापाय इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को आप सबको पूर्ण करती हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की। धन्यवाद आदरणीय मैम। और जैसा कि हम लोग जानते थे वैसा ही उद्बोधन हम लोगों को सुनने को मिला, चलता रहता और अच्छा लगता। मैडम ने महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन, रामायण में वशिष्ठ और राम, गुरु शिष्य परंपरा के उत्कृष्ट उदाहरणों को, उपमन्यु का उदाहरण, इक्ष्वाकु महाराज का उदाहरण, गुरु वशिष्ठ का उदाहरण, और गुरु और शिष्य की जो आदर्श स्थिति होती है, गुरु की भूमिका शिष्य की भूमिका के अनेक प्रसंगों को लेकर आपने हमें प्रेरक उद्बोधन दिया। इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका हार्दिक धन्यवाद करता है, अभिनंदन करता है, आभार व्यक्त करता है। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर रामशिया शर्मा जी हमारे गुरुवर आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय प्राचार्य मैडम उन्हें मंच पे लेकर के आए। सर का उद्बोधन शिक्षा में नैतिकता, कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले, ग्रहण किए हैं। गुरुवर डॉक्टर रामशिया शर्मा एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी हैं। सर वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ साइंटिफिक व्यंग रवि जी थोड़ा व्यवस्था को देखें। सब वनस्पति शास्त्र के साथ साथ साहित्य, व्यंग, कहानी, तत्काल तेल मंगाइए मैडम।